हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए ना मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ही, और मैं डैम श्योर भी हूँ कि वीडियो स्टार्ट होने के साथ साथ आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। बिकॉज आज की वीडियो में मैं ना करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मेकअप हॉल, और जो कि ह्यूज मेकअप हॉल मैंने मंगाया है मिंत्रा से काफ़ी सारा मेकअप, और साथ में ही कुछ मैंने अपने डेली यूज के पैंट्स भी मंगाए हैं, ट्राउजर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हॉल शेयर कर दूँ, हालांकि कुछ दिन पहले आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं है। सो एज वी ऑल नो कि अभी चल रही हैं सेल्स, आइदर वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मिंत्रा हो, हर ऐप पर अभी बहुत अच्छी सेल्स चल रही है। हालांकि आई थिंक फ्लिपकार्ट की तो खत्म हो गई है, बिग बिलियन डेज जो चल रहा था, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, सेम एज मिंत्रा पे चल रहा था। तो मैंने उसी टाइम में बहुत अच्छी अच्छी डील्स को ग्रैब कर लिया, और मिंत्रा से मैंने करी है शॉपिंग, इवन मैंने अमेजोन से भी करी है, उसका वीडियो मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी कभी। फ्लिपकार्ट से भी करी है, फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह मंगाया था, तो ऑफकोर्स मैं उसका वीडियो तो शेयर नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ अमेजोन वाला और मिंत्रा वाला मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। सो ये है हमारा बॉक्स, एंड ये जो फेस्टिवल्स वाली सेल्स आती है ना, इस टाइम पे हम लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स एंड काफ़ी सही प्राइजेस में हम लोगों को मिल जाती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मंगा लेती हूँ, कुछ सामान मुझे मंगाना भी था एंड कुछ ऐसा था जो नहीं मंगाना था बट पसंद आ गया, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया। सो गाइस, फटाफट से मैं आपके साथ इस बॉक्स को करती हूँ अनबॉक्स। इधर से खुलेगा ये, ओह माय गॉड, वाओ, पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ठीक से पैक करके दिया है। एंड मैंने आप लोगों के लिए ना इस बॉक्स को अभी तक अनबॉक्स नहीं किया था, मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ा लेट खोल लेंगे, क्या बाकी अंदर से एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही थी, जल्दी से खोलो, बट मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ही इसको अनबॉक्स करके और देखूंगी क्या क्या सामान कैसे आया। पैकेजिंग तो आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक आई है। सो गाइस, इसको करते हैं ओपन वन बाय वन, एंड शायद अगर मिंत्रा पे तो अभी भी चल रही है, आप लोग चाहें तो सामान मंगा सकते हैं। तो पहला हमारा निकला है ये। सो गाइस, सबसे पहला आइटम है मेरा ये फाउंडेशन, और ये है मेबलिन का फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन। मैंने अपने शेड 128 यानी 128 में इसको मंगाया है, एंड इसकी क्वांटिटी ना मैं थोड़ा ये बड़ा वाला मंगाना प्रेफर करती हूँ, ताकि ये ना थोड़ा सा मेरा चल पाता है। और ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, यानी इतनी अच्छी मैट फिनिश देता है ये। सो काफ़ी सही प्राइस में मिल रहा था इस टाइम पे वो, तो मैंने मंगा लिया। और अगर आपको प्राइजेस भी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ना प्राइजेस मुझे याद नहीं है अभी, तो अगर आपको प्राइजेस चाहिए तो आप मुझे बता देना या कमेंट कर देना, या तो मैं कमेंट में रिस्पॉन्ड कर दूंगी, अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये है मेरा पहला आइटम, मेवलिन का फिट मी फाउंडेशन शेड नंबर 128। और आप जब भी फाउंडेशन ऑर्डर करें तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप शेड देखकर ऑर्डर करें, वरना ना आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने मंगाया 128, एंड इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी है, प्राइजेस में भी पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ता मिला है मुझे ये। सो पहला आइटम है मेरा ये। आप बात करते हैं अपने दूसरे आइटम की। सो गाइस, दूसरा आइटम होने वाला है हमारा ये कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ ठीक से। सो यहाँ पर मेरे पास है मेबलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट पाउडर। ओह माय गॉड यार, क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे मेकअप का सामान खोल खोल के, मेकअप करने से ज़्यादा हालांकि मुझे कलेक्ट करने का शौक है, बट कोई बात नहीं, मंगा लिया, सेल में मिल रहा था तो काफ़ी अच्छा। सो ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड शेड मैंने इसमें अपना वही मंगाया है 128, आप सबको पता है वही शेड जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें आया साथ में छोटू सा मिरर, एंड यहाँ पर है हमारा एक कॉम्पैक्ट पाउडर। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी मैट फिनिश देने वाला है ये। सो गाइज, हालांकि मैट पाउडर सभी मेरे पास रखे हैं, बट कोई बात नहीं, हम एडवांस में रखेंगे इसको। सो गाइज, ये था मेरा सेकेंड आइटम, एंड थर्ड आइटम जो मैंने मंगाया है उसके तो मैं क्या ही बात करूँ, यानी हर लड़की उस चीज़ की शौकीन होती है, और मैं तो बहुत बड़ी हूँ। तो मैंने मंगाई है लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक्स भी मैंने मंगाई है लव अर्थ की, एंड लव अर्थ पे इस टाइम इतनी अच्छी सेल चल रही है, हालांकि वो मिनी साइज़ में है, छोटे छोटे साइज़ में है, बट एक्चुअली हम ना शेड्स कोई भी हम खरीद लें लिपस्टिक के, हम कुछ टाइम लगाने के बाद बोर हो जाते हैं, तो हम यूज़ भी उनको उतना ही कर पाते हैं, ज़्यादा बड़ा शेड लेने की आई डोंट थिंक इतनी नीड होती है, और ये मेरे लिए मोर देन इनफ है। सो मैंने मंगाई है मिनिएचर पैक ऑफ 9 है, ये लिक्विड की लिपस्टिक्स हैं लव अर्थ की, और इनके शेड्स ना इतने प्यारे प्यारे हैं। और गाइस, बेस्ट चीज़ क्या है ना इसकी, वो ये है कि इसमें आधे से ज़्यादा शेड्स जो है वो न्यूड हैं, न्यूड शेड्स मैंने मंगाए हैं ताकि मैं इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकूँ। हमारे 9 शेड्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं एक हाथ टपका ना दूँ, बहुत क्लमजी हूँ मैं। सो गाइस, ये हैं हमारे 9 शेड्स,
और ये हमारी मिनी लिपस्टिक्स हैं लवर्थ की। लवर्थ ने इतनी अच्छी सेल निकाली है आपकी बार, आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शेड्स आए हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, मतलब न्यूड में तो इनके पास पूछो ही मत, आप इतना सारा कलेक्शन है। एंड डार्क में भी हैं, दो तीन डार्क में भी आए हैं। मैं आपको सारे शेड्स दिखाती हूँ, आप चाहो तो मैं आपको स्वॉचेस भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। और मैं आपको सारे स्वॉचेस मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपने हाथ पर लगाए सारे शेड्स, आप देख सकते हो कितने प्यारे शेड्स हैं ये। और न्यूड में है मोस्टली, एंड डार्क में भी एक दो शेड्स हैं, तो ये आपकी डेली वेयर के लिए ना बहुत अच्छे रहने वाले। और इतनी अच्छी सेल में गाइज मुझे लिपस्टिक्स मिली है, माय गॉड, मुझे लग रहा है मैं ये सब कुछ ना फैलाना डालूं, तो मैं आराम से एक चीज आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसका बिल निकल कर आया है, लेट मी शो यू। जिस चीज से हस्बैंड को सबसे ज्यादा डर लगता है वो है हमारे ये हथियार। ओ माय माय गॉड, कुछ ज्यादा नहीं हो गया यानी? तो इसको रखते हैं साइड में, दिखाते हैं अपने आइटम्स। तो सबसे क्यूट सा ना मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर मंगाया है गाइस, और ब्यूटी ब्लेंडर एक्चुअली मेरा जो था वो खराब भी हो गया था, तो मुझे मंगाना भी था, बट इतना प्यारा ब्यूटी ब्लेंडर मुझे दिखा क्यूट सा, और उसको रखने का स्टैंड भी था इसमें, तो मैंने कहा मैं इसको जरूर मंगाऊंगी। एंड ये मैंने मंगाया है कौन से ब्रांड से मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, स्विस ब्यूटी का है ये, तो स्विस ब्यूटी से हमने मंगाया है प्यारा सा अपना क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर, और कितना प्यारा है ना, सॉफ्ट सा, और सबसे अच्छी बात है इसको रखने का स्टैंड है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है आप उसको स्किन पर यूज़ करते हो इधर उधर डाल देते हो ना तो वो गंदा हो जाता है, तो बहुत ही प्यारा है। अब ये अब मैं इसको ऐसे करके आराम से अपने ड्रेसिंग पर रख सकती हूँ यूज़ करने के बाद में, अभी गंदा भी नहीं होगा, इसको रखने की जगह भी मिल गई हमको। अब चलते अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट आइटम होने वाला है मेरी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मेरी ख़त्म हो गई थी और अब की बार मैंने स्विच किया है, पहले मैं नहीं लगा दी थी लैक्मे की सनस्क्रीन, बट मैंने कहा सोचा है अब की बार कि मैं एक ट्राई इसको देती हूँ, देखते हैं कैसे निकलती है। काफ़ी लोग तारीफ करते हैं कि लैक्मे की सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी है, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अब की बार मैंने मंगाई है लैक्मे की सन एक्सपर्ट SPF 50 अल्ट्रा मेट लोशन, और काफ़ी मैट में है ये, लाइट वेट भी होती है एंड नॉन स्टिकी है, सबसे अच्छी बात तो ये है जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, बाकी लगाने के बाद पता चलेगा कि कितना काम कर रही है ये। सो गाइज फटाफट से नेक्स्ट पार्सल अपना देखते हैं, ये हो गई हमारी सनस्क्रीन। नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया है मेबेलिन न्यूयॉर्क का द कोलोसल बोल्ड लाइनर, जो कि 24 घंटे तक लॉन्ग लास्ट करता है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ओ माय गॉड, कितनी तारीफ इन लोगों ने खुद से कर दी है। एंड ये होने वाला है हमारा बोल्ड ब्लैक कलर में। सो गाइस ये मैंने मंगाया है वहाँ से, एंड MRP इसका 275 कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ 10-20 रुपए वहाँ से सस्ता पड़ गया होगा सेल में से। तो ये है हमारा आईलाइनर। नेक्स्ट आइटम ये भी मेरा क्यूट सा पार्सल है। सो गाइज नेक्स्ट आइटम जो है मेरा वो होने वाला है ये मेरा स्विस ब्यूटी का बहुत ही प्यारा क्यूट सा फाउंडेशन ब्रश। अब तक ना मैं फाउंडेशन सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती आई थी, बट मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे, और वो लोग बोलते हैं, कहाँ से ओपन होगा मुझे तो ये खोलना भी नहीं आ रहा, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा काम ब्रश करता है, ब्यूटी ब्लेंडर में आपका फाउंडेशन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होता ही है, एंड ब्रश से आपका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो ब्रश भी ट्राई कर लेते हैं फाउंडेशन के लिए, तो मैंने मंगाया है ये फाउंडेशन ब्रश। ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रशल्स हैं इसके एंड काफ़ी अच्छा है ये भी। सो नेक्स्ट टाइम मैं मेकअप जब भी करूँगी मैं इसको पक्का यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसको संभाल के रख देती हूँ ताकि ये गंदा ना हो अभी। एंड गाइज नेक्स्ट आइटम इज नेक्स्ट आइटम ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, यानी मतलब ये मैंने पहले भी यूज़ करी है और मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा दोबारा मैं इसको मंगा लेती हूँ। ये होने वाली है फेसेस कैनेडा की लिप ग्लॉस। ओ माय गॉड क्या ही बोलूँ, मतलब मैं इसके बारे में मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, इतनी प्यारी लगती है ना। अब की बार मैंने एक कलर में मंगाई है, मतलब पहले मेरे पास जो थी वो न्यूड में थी, तो अब की बार मैंने इसको ना कलर में मंगाया है और काफ़ी सही प्राइस में मिल गई है मुझे अब की बार, बट मैं इनको खोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, कोई भी सामान मुझसे खोल नहीं पा रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई। आप इसको देख के ही खुश हो जाओगे ना, इतनी क्यूट सी क्यूट चीज़ जिनको पसंद है ना वो देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। ओ माय गॉड ये है फेसेस कैनेडा की लिप ग्लॉस, और मैं आपको अभी इसका ना स्वॉच दिखाऊंगी
कि कितनी प्यारी लगती है ये, कितना। अब क्या मैंने इसको कलर में मंगाया है ना, थोड़ा मतलब इसका आई थिंक हाथ पे इतना अच्छा ना दिखे, बट आप इनको लिप्स पे लगाओगे ना इतना सॉफ्ट फील होगा, और इतनी लाइट वेट आप देख सकते हो, ये है ये कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा कलर है। और एक्चुअली मुझसे ना ज़्यादा लग गया है इसलिए इतना डार्क दिख रहा है, आप लाइट लाइट हल्का हल्का लगाओगे ना तो इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है, और बहुत ही प्यारा है ये लिप ग्लॉस। सो आई थिंक मेरे पूरे 9 आइटम्स पूरे हो चुके हैं। तो ये तो था मेरा मेकअप का सामान जो मैंने मंगाया था, एंड काफ़ी सही प्राइजेस में मुझे वहाँ से मिल गया है। काफ़ी सही मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट सब चीज़ों में मैंने ले ही लिया है, हम लड़कियाँ इस काम में तो माहिर होती हैं, एवरी वन नोज। सो गाइज अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैकेजिंग की तरफ। उसको मैंने खोल के देख लिया था बिकॉज मुझे देखना था, अगर मैं चेक नहीं करती हूँ 7-8 दिन बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर कुछ कमी होती तो वो रिटर्न भी नहीं होता, दैट्स व्हाई मैंने उसको ओपन कर लिया है। अभी मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ उसका। सो गाइज ये है मेरे डेली यूज के पजामाज, मैंने कुछ मंगाए हैं लोअर अपने, और प्राइस मुझे इसका कहीं नहीं दिख रहा है, और मैं भुलक्कड़ इतनी ज़्यादा हूँ कि मुझे प्राइजेस याद भी नहीं है। हाँ मुझे इतना याद है कि ये दोनों दोनों पजामे जो मैंने मंगाए वो मुझे कुछ 1100-1200 समथिंग पड़े हैं, तो यानी 600-600 पर पजामा मान लो आप। ये होने वाला है ब्रांड रोडस्टर से, आई थिंक ये रोडस्टर से मैंने मंगाया है, और बहुत ही सॉफ्ट पजामा है ये डेली वेयर के हिसाब से। मैं नो 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 लिपस्टिक ना लगा लूँ मैं इस पर अपनी। सो गाइज ये पजामा मैंने मंगाया है रोडस्टर से, मिंत्रा से ही मंगाया है, और ये दोनों मुझे 600-600 के समथिंग पड़े हैं। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, डेली वेयर के हिसाब से एकदम परफेक्ट होने वाला है। मैं स्क्रीन पर साइड में दे देती हूँ, मैंने इसको पहन के भी एक बार ट्राई किया था कि ये कैसा लग रहा है, तो डेली वेयर के हिसाब से एकदम मस्त होने वाला है। इलास्टिक है काफ़ी अच्छी, और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं नीचे से भी ये थोड़ा नैरो में नहीं है, ये चीज़ बेस्ट है। मुझे घर में ना नैरो वाले पजामे मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते, बाहर जा रहे हो तो ठीक है वेल एंड गुड समटाइम्स, बट घर में मुझे ऐसे लूज लूज कंफर्टेबल पजामास पसंद है, तो मेरे लिए ये बेस्ट था। कपड़ा इसका मुझे पसंद आया, मेरे पर्सनल रिव्यूज़ है कि हाँ मेरी तरफ से ये बेस्ट है, और सबसे अच्छी बात ना इसका कपड़ा ना ऐसे चुभने वाला नहीं है, और काफ़ी हल्का भी है, तो ऐसा कुछ भारी वाली फील होने वाला नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपना पार्सल, ये होने वाला है मेरा नेक्स्ट पार्सल। तो ये भी पजामा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था मिंत्रा पे, और देखते ही मैंने लास्ट पीस बचा हुआ था ये मेरे साइज़ में मीडियम में, तो मैंने कहा फटाफट से मैं इसको मंगा लेती हूँ। एंड इसका मैं आपको प्राइस शायद गलत बता रही थी, 650 का है, 660 रुपये का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पजामा है, एंड ये उससे ज़्यादा पसंद आया मुझे। पहले मैंने लेवेंडर कलर देख के वो मंगा लिया, बट इसका कलर भी एंड इसका कपड़ा भी, इसकी क्वालिटी भी, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। सो गाइज ये है मेरा पजामा, तो डेली यूज में मैं आपको ये पजामे देख पहने हुए दिखूंगी व्लॉग में। सो गाइज आई थिंक दैट्स ऑल, यही था मेरा सारा सामान जो मैंने मंगाया है मिंत्रा से। बाकी अमेजोन की सेल से जो मैंने सामान मंगाया उसके लिए आप रेडी रहिएगा, उसका वीडियो भी जल्दी से लाइव हो जाएगा मेरे चैनल पर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो के चक्कर में मैंने पूरे कमरे में मैस कर दिया, तो मुझे अभी ये क्लीन करना है, इसीलिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, रेट्स पूछने हैं कमेंट कर देना, वहीं पर रिस्पॉन्ड कर दूंगी या फिर मैं स्क्रीन पर टैप कर दूंगी अगर मुझे याद रहा तो। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।